नाम डॉक्टर श्वेता और मैं कटिहार से बिलोंग करती हूँ और मैं जाकिर साहब से पूछना चाहूँगी कि मैंने 10 साल से अपीस टीवी देख रही हूँ और मुझे खुशी है कि आज मैं उनसे रूबरू हो रही हूँ। सबसे पहला सवाल ये है कि ऊपर वाला जब सबको, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको बनाया, तो फिर सबसे ज्यादा मुस्लिमों को क्यों हिकारत की निगाह से अदर्स रिलीजन्स वाले देखते हैं, रीजन क्या? दूसरा सवाल ये है कि ऊपर वाला एक है, ये सभी जानते हैं, हिंदू मुस्लिम जो भी धर्म से बिलोंग करते हैं, लेकिन फिर भी वो क्यों, मतलब ये नहीं समझ पाते कि ऊपर वाला एक है या ईश्वर एक है या गॉड एक है, क्यों कंफ्यूजन में वो अपनी जिंदगी बिताते रह जाते हैं? बहन के दो सवाल है। सवाल के पहले उन्होंने कहा कि वो पीस टीवी 2006 से देख रहे और टेलीविजन पे मुझे और कई सालों पहले से देख रहे हैं। उनका सवाल है कि बाकी लोग मुसलमान को ऐसी गलत नजर से क्यों देखते हैं, ये पहला सवाल। और दूसरा सवाल कि सब मजहब वाले जब जानते खुदा एक है तो खुदा में क्यों नहीं मानते, इनके दो सवाल है। बहन पहला सवाल जो आपका था कि लोग मुसलमान को गलत नजर से क्यों देखते हैं, इसकी मेन वजह है जैसे मैंने पहले कहा वो है मीडिया। आज मीडिया जैसे मैंने कहा सबसे ताकतवर टूल है, सबसे ताकतवर हथियार है। मीडिया आज एक हीरो को विलन बना सकता है, विलन को हीरो बना सकता है, दिन को रात, रात को दिन। तो ये मीडिया का खेल है, बहुत आसान है। जैसे मैंने कहा ना यूके में क्या हुआ, तो उसी तरीके से आज पहले जो था अमेरिका को डरता रशिया से, अभी रशिया चली गई, अभी खौफ है इस्लाम से कि अमन फैलेगा तो जो गलत काम कर रहे हैं वो मुमकिन ही नहीं। अगर अमन सब जगह फैलेगा, कुछ लोग नहीं चाहते अमन फैले, क्योंकि अमन जब फैलेगा तो उनके धंधे में नुकसान होगा, क्योंकि कुछ लोग के धंधे जब ही चलते हैं जब अमन नहीं है, फायदा होता है ना, झगड़ा बिगड़ा हो तो उनका फायदा होता है। तो हर इंसान नहीं चाहता है अमन हो। बात करेंगे अमन की, वॉर फॉर पीस, एक्चुअली कर रहे वॉर ऑन पीस, हम जंग लड़ रहे अमन के लिए, वो अमन के लिए नहीं जंग लड़ रहे हैं, अमन को खत्म करने के लिए जंग लड़ रहे, नॉट वॉर फॉर पीस, वॉर ऑन पीस। अमन को कायम करने के लिए जंग नहीं लड़ रहे, अमन को खत्म करने के लिए जंग लड़ रहे। तो ये मीडिया है बहन, मीडिया इतना पावरफुल है, इसीलिए मैं कहता हूं मुसलमान मीडिया में पीछे है, हमको मीडिया के जरिए सही पैगाम पहुंचाना चाहिए। बहन आप देख रहे पीस टीवी 6 साल से पहले, उसके पहले आपने दिगर चैनल पे मुझे देखा। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, आपको कैसा लगता है इस्लाम का, मतलब पीस टीवी देखने के बाद आपके क्या ख्याल आते हैं इस्लाम के बारे में? मैं बचपन से ही एक चीज के खिलाफ रही हूँ कि मूर्ति पूजा, जो कि हमें कभी भी पसंद नहीं पड़ा, जो ऊपर वाला हमें बनाया तो हम जिसको बना के पूछते हैं उसमें शक्ति कैसे हो सकती है, फर्स्ट। दूसरा सवाल कि आप जब ऊपर वाला हम पूरे दुनिया को कंट्रोल कर रहा है तो एक मूर्ति कैसे किसी इंसान को कंट्रोल कर सकता है? तीसरा है होता है कि आप अगर आप में विश्वास है, आस्था है, आप कहीं भी रहें ऊपर वाले को याद कीजिए, आप ऊपर वाले आपकी दुआ जरूर सुनेंगे। ये मेरे बचपन से ही ये मेरे दिल में है और जैसे जैसे मैं बड़ी होते गई मेरे मन में और भी ऐसे सवाल आते गए और मैं खुद ब खुद उसका सॉल्यूशन ढूंढते रह गए। और आज जाके जब मैं आपके पीस टीवी से जुड़ी तो मुझे और भी मेरा जितने भी कन्फ्यूजन थे वो दूर होते गए और आगे कोशिश होगा और भी दूर होते चले जाएंगे। आपको कैसा लगता है इस्लाम मजहब? मुझे बहुत पसंद है। आपको गलतफहमी दूर हो गई आपकी ना, जो मीडिया फैला रही है? हाँ, ये मुझे हमेशा रहता था कि इस्लाम धर्म बहुत अच्छा है क्योंकि उसमें ना तो मूर्ति पूजा है ना भी कुछ है, सिर्फ ऊपर वाला है जो एक जो पूरे दुनिया को कंट्रोल करके रखा हुआ, जिसके बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो फिर जो है हम जो है उसे क्यों नहीं माने जो दूसरे को माने। आप तो कुरान की आयत का तर्जुमा कर रही, माशाल्लाह, अल्लाह के मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिल सकता है। बहन जो आपका दूसरा सवाल था कि जब गैर मुसलमान ये जानते हैं कि खुदा है कि तो मानते क्यों नहीं? हाँ, ये सवाल था कि मानते क्यों नहीं है वो कि एक ही शक्ति है, चाहे वो गॉड हो, क्रिश्चियन बोलते हैं, हिंदू बोलते हैं ईश्वर एक है, मुस्लिम बोलते हैं अल्लाह एक है, और गुरुद्वारा बोलते हैं वाहे गुरु एक, तो जब सब भी बोलते हैं
तो मानते क्यों नहीं कि ईश्वर एक ही है? आपका बहुत अच्छा सवाल है कि अगर जानते हैं तो मानते क्यों नहीं। इसके मेन जिम्मेदार है धर्म के अधिकारी, धर्म अधिकारी। धर्म अधिकारी नहीं चाहते कि सब लोग इसको माने। जानने ठीक है लेकिन मानने लगेंगे तो उनकी दुकान बंद हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पे दुकान बंद हो लो। और हर धर्म में कुछ लोग है जो नहीं चाहते के सब धर्म मानने वाले अपनी किताब के करीब आए, नहीं तो उनकी दुकान बंद हो जाए। हर धर्म में ऐसे लोग हैं, नहीं तो उनकी दुकान बंद हो जाएंगी। तो इसीलिए मेरी सबसे ज्यादा कोशिश रहती है, सबसे ज्यादा कोशिश रहती है कि लोगों को अपने धर्म की किताब के करीब ले जाए सबसे पहला। तो मैं कहता हूं मुसलमान और गैर मुसलमान को, अपनी धार्मिक किताब पढ़ो, उन पे तहकीक करो, जो यकसान है तो उसके ऊपर जाओ पहला। तो इसीलिए जितने धर्म अधिकारी है, धर्म के आम पब्लिक तो मेरे फेवर में, देखो आम पब्लिक अवाम, चाहे मुसलमान की हो, हिंदू की हो, ईसाई की हो, साथ में है। लेकिन ये धर्म अधिकारी जो अक्सर है वो नहीं चाहते कि सब लोग एक हो जाएंगे तो दुकान बंद हो जाएंगी। तो ये मेन प्रॉब्लम है धर्म अधिकारी का। इसीलिए अगर सर्व धर्म के मानने वाले अपनी किताब का तर्जुमा पढ़े सही मानी से, उस पे अमल करे, तो सब लोग एक ईश्वर के पास आएंगे और एक ईश्वर को मानेंगे और उसके अलावा किसी की इबादत नहीं करेंगे। उसके बावजूद भी सब कोई क्रॉस क्यों करता है इस्लामिक धर्म को, जानते हुए भी कि ये सबसे अच्छा धर्म है, सब रास्ता सब एक है, इसमें ना कोई ये है दिखावा है, ना कोई आपका इसमें ओल झोल टाइप का कोई भी प्रॉपर्टी नहीं होती है कि ये बाजा वाजा ये वो। बहन, बहन क्यों नहीं करते बहन? क्योंकि आप पीस टीवी देख चुकी है, तो आप पीस टीवी देखने के बाद आपको यकीन हो गया है कि सही इस्लाम क्या है। बाकी चैनल सही इस्लाम नहीं दिखा रही, बाकी चैनल दिखाते है कि मुसलमान टेररिस्ट है, मुसलमान दहशत गर्द है, मुसलमान जलील करते, मुसलमान ये करते, खवातीन को हक नहीं देते। तो सब लोग तो पीस टीवी नहीं देखते ना। इंशाल्लाह एक दिन आएगा जब दुनिया के अक्सर लोग पीस टीवी देखेंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हमारा इरादा है कि पीस टीवी को कम से कम दुनिया की सबसे अहम 10 जबानों के अंदर फैलाए, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अल्लाह से दुआ है, क्योंकि जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि इस्लाम एक दिन हर घर में पहुंचेगा, तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें वो जरिया बनाए कि सही इस्लाम दुनिया के हर घर में फैलेगा इंशाल्लाह। बहन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप मानते कि खुदा एक है? मैं बचपन से मानती हूँ ऊपर वाला एक है। आप मानते कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ, ये सब बचपन से ही पता है मुझे। तो मैं आपसे पूछता हूँ डॉक्टर श्वेता, जब आप मानते खुदा एक है, आप मानते बुत परस्ती गलत है, आप मानते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, तो उसका मतलब आप मुसलमान हो चुके? हाँ, ये एक चीज मैं सवाल करना चाह रही थी आपसे। जी हाँ। कि आपके मन में जो भी आप धर्म अपना रहे हो, ये तो जरूरी नहीं होता कि आप उसे रिप्लेस करें पब्लिक के बीच में, जरूरी नहीं है। और अगर आप मन से मानते हैं तो ऊपर वाला जान रहा है कि आप क्या हैं, और ऊपर वाले को ही मानते हुए सारा चीज फॉलो कर रहे हैं, तो क्या जरूरी होता है कि मुस्लिम बताए ही कि हम मुस्लिम हैं? बहन का बहुत अच्छा सवाल है कि अगर मन से माने काफी नहीं, क्या जाहिर करना जरूरी नहीं है? अगर आप को कोई तकलीफ हो रही है, मिसाल के तौर पे अगर आपको शक लगता है कि अगर मैं जाहिर करूं तो मेरी जिंदगी खतरे में है, और ये टॉपिक के ऊपर भी है, अगर आपको लगता है कि मेरी जान खतरे में है, ऐसे माहौल में है, ऐसे इलाके में आप है, 99% से ज्यादा गैर मुस्लिम है और जंग का माहौल है, और पता चल जाएगा मैं मुस्लिम हूं, तो कुरान की आयतें, अगर आपकी जान खतरे में है तो आप शिर्क भी कर सकते हैं, लेकिन दिल में ईमान होना चाहिए। मतलब अगर कोई पूछे कि तुम मुशरिक हो, आपको पता आपकी जान खतरे में, आप हाँ कह सकते हैं लेकिन आपके दिल में ईमान होना चाहिए। तो अल्लाह ताला इजाजत देते हैं कि अगर आपकी जान खतरे में है, कोई बंदूक रखता है सिर पे और बोला कौन है तुम, अगर तुम बोले हाँ मैं मुशरिक हूं लेकिन दिल में ईमान है कि अल्लाह एक है, तो आप गुनेगार नहीं। तो अगर आपको डर है कि आपके इजहार करने की वजह से आपकी जान खतरे में है या कुछ तकलीफ आ सकती, तो मत इजहार करो। लेकिन इजहार करने से फॉलो करना आसान है। जो शख्स इजहार करता है वो फॉलो भी करेगा, अगर इजहार नहीं करेगा, बोलता मैं मुसलमान हूं, अगर उसके जान का खतरा है तो कोई हर्ज नहीं, उसके दिल उसके बीच में और खुदा के बीच में इजहार करने की जरूरत नहीं। लेकिन जान का खतरा नहीं है फिर भी बोलते हैं,
नहीं मैं जान का खतरा नहीं है, मुझे कोई तकलीफ नहीं, छोटी मोटी तकलीफ है, इसलिए मैंने इधर को, फिर क्या होगा? फिर उसको अमल करना मुश्किल होगा। अगर छोटी मोटी तकलीफ है तो इधार करना चाहिए, क्योंकि उसको अमल करने में आसानी होगी, नमाज पढ़ने में आसानी होगी, रोजा रखने में आसानी होगी। अगर कबूल नहीं करेंगे तो मुश्किलात और बढ़ेंगी, लेकिन अगर मुश्किलात इतनी हैं कि आपको जान का खतरा है तो आप माइक्रोफोन पे भी नहीं आती थी। मैं भी फील्ड में हूं ना बहन, अगर आपको जान का खतरा होता था तो माइक्रोफोन पे आके आप बोलती भी नहीं थी कि मैं भूत परिस्थिति के खिलाफ हूं, मैं खुदा में मानती हूं। जब इतना बोल दिए तो मुझे यकीन है आपके जान का खतरा नहीं है। मैं भी फील्ड का हूं ना, आप डॉक्टर है, मैं भी डॉक्टर हूं। आप कौन से डॉक्टर है पता नहीं, मैं जिस्म का डॉक्टर हूं। आप पीएचडी डॉक्टर है क्या, मेडिकल डॉक्टर है, कौन से डॉक्टर है बहन आप? डेंटिस्ट। डेंटिस्ट है, माशाल्लाह, करीब पेशा है। मैं मेडिकल डॉक्टर एमबीबीएस हूं, आप डेंटिस्ट है। आपको कैसे पता चलता है दांत में दर्द हो रहा है तो क्या प्रॉब्लम है, बराबर ना? तो वैसा मुझे भी थोड़ा थोड़ा पता चल जाता, मैं जिस्म के डॉक्टर के अलावा रूहानी डॉक्टर भी हूं माशाल्लाह। तो मुझे पता आपको जान का खतरा नहीं है, तो जान का खतरा नहीं है तो मेरी ये राय है, इजहार करने से आपको अमल करने में और आसानी होगी। ये मुझे पता है। पता आपको ना? हाँ। तो आपको जान का खतरा है? अब मैं अभी क्लियर नहीं कर सकती कुछ भी आपसे। और एक लास्ट सवाल, ठीक है इंशाल्लाह, लेकिन आप मेरे नजदीक आप मुस्लिम है, इंशाल्लाह अल्लाह आपको और हिदायत दे जानने के लिए और अमल करने के लिए भी बहन। और एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहते हैं आपसे। जी आप पूछिए डॉक्टर। जब ऊपर वाले सबको नीचे भेजे तो फिर नीचे डिवाइड क्यों किया गया कि सब अलग अलग धर्म में बिलोंग करने लगे? ये सवाल कल पूछा गया था मुझसे कि ऊपर वाला जब एक है तो नीचे वाले को डिवाइड क्यों किया है अलग अलग। अल्लाह ने, खुदा ने, भगवान ने एक ही धर्म भेजा है, एक ही दीन। कुरान में लिखा है सूरह अल इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 19 में, इन्नद्दीना इंदल्लाह इस्लाम, के अल्लाह के नजदीक एक ही दीन, एक ही मजहब सही है, वो है इस्लाम, जिसके मानी है अमन शांति हासिल करना अल्लाह के पैगाम पे अमल करने के बाद। तो जो भी अल्लाह खुदा ईश्वर के पैगाम पे अमल करता है और अमन हासिल करता है उसे अरबी में कहते हैं मुस्लिम। लेकिन क्या हो गया कि क्योंकि खुदा ने बहुत से पैगाम भेजे और जितने पैगाम पहले आए थे वो महदूद थे एक ग्रोह के लिए और वो पैगाम वैलिड था एक वक्त के लिए, क्योंकि खुदा जो सब कुछ जानता है वो जानता है कि 1400 साल पहले इंसान पूरे पैगाम को हजम कर सकेगा, समझ सकेगा, इसीलिए 1400 साल पहले कुरान भेजा। जितनी पहले किताबें भेजे वो वक्त के दौरान बदलते गए, लोग ने बदले और खुदा ने उसे महफूज रखना सही नहीं समझा क्योंकि जरूरत नहीं थी। अल्लाह ने, खुदा ने, भगवान ने वो पहले पैगाम जो महदूद थे उसे महफूज रखने की जरूरत नहीं समझी, लेकिन क्योंकि आखिरी पैगाम कुरान 1400 साल पहले जब भेजा, कुरान में अल्लाह लिखते हैं सूरह हिजर में सूरह 15 आयत नंबर 9 में कि हमने कुरान नाजिल किया है और हम इसे महफूज रखेंगे, क्योंकि ये आखिरी पैगाम है, इसके बाद कोई पैगाम नहीं आने वाला है, इसीलिए वो सिर्फ एक ग्रोह के लिए नहीं, सिर्फ मुसलमान के लिए नहीं, सिर्फ अरबों के लिए नहीं, सारे इंसानों के लिए और सिर्फ एक वक्त के लिए महदूद नहीं, ता कयामत है, क्योंकि इसके बाद कोई पैगाम नहीं आने वाला, ये पैगाम को कोई बदल सकता ही नहीं। इसीलिए जितने पुराने पैगाम है बदलने के बावजूद उनमें जो मेन बात है, जो असल बात है तौहीद की, कि खुदा एक है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं और बुत परस्ती नहीं करना चाहिए, मूर्ति पूजा नहीं करना चाहिए, सारे मजहब की किताबों में मौजूद है। वो अलग बात है कि धर्म अधिकारी इनको आम नहीं करते अपने लोगों के सामने, इसलिए लोग को गलत फहमी है कि जाकिर सिर्फ अपनी मजहब की बात कर रहा है। अरे मैं उनकी मजहब की बात भी कर रहा हूं। तो लोग जब तहकीक करने लगते हैं तो पता लगता है कि ये तो सही बात कर रहा है। तो एक चीज अल्लाह ने किया है, अल्हम्दुलिल्लाह भगवान ने, ईश्वर ने, कि ये मेन पैगाम तौहीद का महफूज रखा है और इसमें ये भी महफूज रखा है कि आखिरी पैगंबर आने वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन।